पुराने समय की शादी और आज की शादी में अंतर है। आज के जमाने में लड़के को लड़की दिखाई जाती है, लड़की को लड़का दिखाया जाता है, होटल में मिलाया जाता है, बात पक्की करी जाती है, फिर रात्रि को 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक फोन पे बात चल। बोलो सही है? अरे बोलो तो ठीक है। 2-3 महीना कम से कम बात चलती है, दोनों एक साथ घूमने भी जाते हैं। फिर आजकल तो वो कौन सी एक वो हो गई है भगवान, जिसमें फोटो खिंचवाते हैं बहुत सारे, प्री वेडिंग, फिर उसमें भी मिलते जुलते हैं, इतने फोटो खींचे ढेर सारे, 2:30 बजे तक लगे रहे, 2:30 बजे तक लगे रहे और 2.5 साल नहीं टिक पाए। 2.5 साल में अदालत में केस पहुंच गया, जो इतना अच्छा लग रहा था कि तुम्हारे बिना रे नहीं सकती, अब उससे कहती तेरा मुंह नहीं देख सकती। जिसका एक मैसेज नहीं आता था तो रोटी नहीं खाती थी। अब वो अदालत में कहती है कि ये मेरा दहेज खा गए। जरा विचार करिए, एक आज की शादी और एक पुरानी शादी। आज के जमाने में इतना मिला, 2.5 महीने 3 महीने 5 महीने मिले, फोन पे बात करी, होटल में मिले, खाना पीना, चाउमीन, पाव भाजी, छम्मक लड्डू, पानी पतासा, सब कुछ खाया पिया। ये आज की शादी है तो 2.5 साल नहीं टिकी। और एक पुरानी शादी, ना लड़के ने लड़की को देखा था, ना लड़की ने लड़के को देखा था। केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आई थी, नीचे रखी, इतनी देर में लड़के ने लड़की को देख ली, लड़के ने लड़की को देखा, दोनों की निगाह मिली, लड़की अंदर चली गई, ना पूछा ना ताछा, विवाह पक्का हो गया। और आज तक देख लो, आज तक वो विवाह हमारे श्री ओम प्रकाश जी को देख लो, हमारे श्री प्रकाश नंद किशोर जी को देख लो, अभी तक टिका है। ओल्ड इज गोल्ड। और यहां कई मेरी माताएं बैठी है कुर्सियों पे, बुजुर्ग बुजुर्ग, इतना तपल्लू ले लेके बैठी, इनसे पूछो आज तक टिका, वो संबंध आज तक टिक रहा है, जिसने देखा ही नहीं था, जो मिला ही नहीं था, ना फोन पे बात हुई थी, ना कोई व्यवहार, केवल एक क्षण निगाह मिली और विवाह पक्का हो गया, 7 जन्म तक निभ रहा है। मेरे शंकर भगवान की कथा भी ये कहती है, घंटों तक महादेव के पास नहीं बैठना, बस एक क्षण नेत्र मिला लो, तुम शिव के और शिव तुम्हारा हो, तुम शिव के और शिव तुम्हारा, एक क्षण बस केवल देखा, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी यार जो थी मुलाकात की, मेरे महादेव से एक क्षण की मुलाकात कर लीजिए, एक क्षण मेरे देवाधिदेव महादेव को एक क्षण देख लीजिए। जब जल चढ़ाओ तुम्हारी चित्तवृत्ति शिव में हो, जब जल चढ़ाओ तुम्हारा मन शंकर में हो, फिर कहीं नहीं देखना। पड़ोसन कुछ भी कह रही हो, पड़ोसन कुछ भी कर रही हो, आसपास के लोग कुछ भी कर रहे हो, अपन अपना काम करो, जल चढ़ाया, भगवान का श्रृंगार करा, मंदिर का पूजन करा। कई कई माताएं झगड़ा भी करती है, अब भी मैंने श्रृंगार करा था और तू पानी डाल के चली गई, मैंने अब भी श्रृंगार करा था और तूने पानी डाल दिया। कई कई माताएं झगड़ा करती है, नहीं, उसका काम है श्रृंगार करना, तेरा काम है श्रृंगार करना, सामने वाली का काम है पानी डालना। तूने श्रृंगार करा, तेरा काम तूने कर लिया ना, उसका काम वो कर रही है, अपने को नहीं टोकना कि तूने पानी क्यों चढ़ाया, मैंने श्रृंगार करा था ना, अपना काम अपन करो। अपन ने बाबा को सजा दिया, श्रृंगार कर दिया, उससे लाड़ लड़ा लिया, अब उसकी मर्जी, वो भोलेनाथ किसको बुलाता है, कौन से जल चढ़वाता है, ये उसके ऊपर। एक
क्षण उसका मिलन हो जाए, एक क्षण, एक क्षण, केवल एक क्षण और ज्यादा नहीं। वो हम एक लाइन पहले गुनगुनाते थे, गाएंगे नहीं भाई, इसके गुनगुना लेंगे, हो हम पहले बहुत गुनगुनाते थे। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओ। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओ। काशी के भोलेनाथ मने थारी सतावे, ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी सतावे। खींच क्या ना रोके भोलेनाथ, खींच क्या ना रोके भोलेनाथ, मने फरियाद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ मने फरियाद सतावे। एक क्षण के लिए उसको याद कर लो, एक पल के लिए उसको याद कर लो, और केवल निगाह मिले उतनी देर बहुत बहुत। महाराज वो कहते हैं ना, हम जितना ग्रहण कर रहे हैं, हम जितनी देर भगवान का भजन कर रहे हैं उस पूरी समय में, और हम आज एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे, 3 घंटे की कथा में आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटे की कथा होती है, पूरी 2.5 घंटे की कथा तुम्हारे दिल में नहीं बैठती है, पूरे 2.5 घंटे की नहीं बैठती, पर 2.5 घंटे में एक क्षण कोई ऐसा आता है जो कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाती है और तुम देवाधिदेव महादेव के हो जाते हो और महादेव तुम्हारा। कई लोग कहते हैं गुरुजी कोई जरूरी है क्या सबके हृदय में शंकर बैठेगा, हम कहते हैं पानी बरस रहा है बाहर निकले हो तो गीले तो हो गए, बस ये है कि अंदर तक गीले नहीं हुए तो बाहर से हो गए, कोई अंदर से हो गया कोई बाहर से हो गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा अगर बरस रही है और जो कथा के पंडाल में पहुंचा है, जो कथा के पंडाल के सामने पहुंचा है, जो टीवी पर सुन रहा है, जो मोबाइल पर सुन रहा है, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहा है, जो पंडाल के बाहर या अंदर बैठकर सुन रहे हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा में थोड़े ना थोड़े गीले तो जरूर हो गए, मेरा बाबा तुम्हारा कल्याण तो जरूर करेगा, निश्चित है वो करेगा जरूर, मेरा शंभू तुम्हारा कल्याण जरूर करेगा, ये पक्का, क्योंकि तुम थोड़े ना थोड़े उसमें रमे हो।